आवाज आ रही सबको? हम अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग के बारे में बात कर रहे थे। इसमें वो होता है कि जो भी फाउंडेशन पानी के अंदर हो, ठीक है, उसके अंदर जो हम कॉन्क्रीटिंग बोलते हैं उसे बोलते हैं अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग। ठीक है, अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग के लिए हमें सबसे पहले तो वहां का, जहां पे भी हम कॉन्क्रीटिंग कर रहे हैं, वहां पे पानी रिमूव करना पड़ेगा जब भी हम कॉन्क्रीटिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा मेन जो हमारा प्रॉब्लम रहती है वाटर को रिमूव करने की है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे जो है हमारी फॉर्मवर्क प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे भी हमें पानी रिमूव करना पड़ता है, और उसके अंदर हम जो है एक्सकवेशन करते हैं और वहाँ से पानी रिमूव करते हैं। तो लेकिन हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा हमें जो कॉन्क्रीट रिक्वायरमेंट है उसकी क्या परफॉर्मेंस होनी चाहिए। एक तरह से कॉन्क्रीट में फ्लोबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि हम जितना डीप में जाते रहेंगे वहाँ पे हम कंपैक्शन कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो कॉन्क्रीट में फ्लोबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए और कंपैक्शन खुद ही हो जाना चाहिए। लो हीट ऑफ हाइड्रेशन होनी चाहिए, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन इसलिए क्योंकि मास कॉन्क्रीटिंग होती है। क्योंकि मतलब आप कोई भी पाइल या किसी का शेप देखोगे तो वो 2 या 3 मीटर की रेंज में होगा, तो ठीक है, तो अगर और बहुत ही डेप्थ में होगा, 70 मीटर्स होगा, 60 मीटर्स होगा, तो मतलब बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट की रिक्वायरमेंट है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन कम रखनी पड़ती है ताकि क्रैक्स ना हो, क्योंकि जब भी पानी की रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो जो भी कॉन्क्रीटिंग होगी उसमें लो हीट ऑफ हाइड्रेशन होनी चाहिए। अगर क्रैक्स होंगे तो कंक्रीट इम्परमेबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, वर्केबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, एक कोई सेटिंग टाइम उसका कंट्रोल होना चाहिए कि मतलब एक स्पेसिफिक टाइम में वो सेट हो जाए। ठीक है, सर्टेन उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो तो होनी चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में हम बना रहे हैं। और उसमें हमें प्रिकॉशंस क्या रखनी है जब हम अंडर वाटिंग कॉन्क्रीटिंग करते हैं। तो हमें रिच कॉन्क्रीट मिक्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें सीमेंट का कंटेंट जो है वो ज्यादा हो। ठीक है, जो हमारी कॉन्क्रीट होनी चाहिए वो फ्लोबिलिटी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, मतलब वो एक तरह से सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कॉन्क्रीट होनी चाहिए। ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो भी हमारी कंक्रीट है उसका टेम्परेचर 1638 डिग्री सेल्सियस, मतलब एक सर्टेन परसेंटेज है एक तरह से कि भाई हमें कोर सेग्रीगेट इस साइज से ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, स्लंप ज्यादा होना चाहिए, तो ये कंक्रीट फ्लोएबल होनी चाहिए। ठीक है, और फॉर्मवर्क स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि वाटर का प्रेशर या सैंड का प्रेशर जो भी लग रहा हो उसको रेजिस्ट कर पाए। ठीक है, हमारी जो कंक्रीट है एक सर्टेन टाइम के बाद में स्ट्रेंथ गेन करना स्टार्ट कर दिए। ये हमारे अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग में प्रिकॉशंस है, मतलब कुछ है नहीं ऐसे एक्सेस पर। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो काम कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में जो कुछ क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। इसमें सबसे पहले है ट्रेमी मेथड। ट्रेमी मेथड में कुछ नहीं करते हैं,
जहां पे भी हमें कॉन्क्रीटिंग करनी है वहां पे एक्सकवेशन कर लेंगे या फिर कॉफर डैम्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, कॉफर डैम्स का मतलब होता है कुछ नहीं कि ये जो आप देख रहे हो ना फॉर्म वर्क, ये इस फॉर्म वर्क। ठीक है, हम क्या करेंगे जहां पे भी हमें कॉन्क्रीटिंग करनी है, जैसे मान लो यहाँ पे वाटर है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले फॉर्म वर्क को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, उसका जो भी पानी इसके अंदर होगा उसे रिमूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें कॉन्क्रीटिंग करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है ट्रैमी मेथड। ट्रैमी मेथड में कुछ नहीं होता, एक हॉपर टाइप का पाइप सा होता है। ठीक है, और उसके बाद ऊपर से जो है हम कॉन्क्रीटिंग करते हैं, और ये कॉन्क्रीट यहाँ जाके फिलअप होने लग जाती है ऑटोमेटिकली। बस नीचे सिंपल एक पाइप से हम उसको कॉन्क्रीटिंग कर रहे हैं, इसे बोलते हैं ट्रैमी मेथड। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, अ मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ हैंडलिंग कॉन्क्रीट अंडर वाटर इज बाय ट्रैमी। ठीक है, द ट्रैमी कॉन्क्रीट प्लेसमेंट वाटर यूज इज अ वाटर टाइट पाइप। मतलब एक वाटर टाइट पाइप है, जो ये पाइप है जो सेंटर में यूज हो रही है ये वाली। ठीक है, और इससे हम क्या करते हैं, कॉन्क्रीट प्लेस करते हैं अंडर वाटर। ठीक है, ऊपर एक हॉपर होता है जिससे कॉन्क्रीटिंग आती है और कॉन्क्रीट आती है और उसको हम नीचे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे को जो कॉन्क्रीट चाहिए कि वो कैसी चाहिए कि जो खुद ही कॉम्पैक्ट हो जाए, तो हमें क्या चाहिए, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कॉन्क्रीट। ठीक है, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कॉन्क्रीट बनाने का मतलब ये होता है कि जिसका स्लम्प ज्यादा हो, तो स्लम्प हम क्या रखेंगे, 180 mm के अबाउट रखेंगे। तो आपका जो ऊपर वाले जो प्रिकॉशंस थे उसमें एक और पॉइंट आ गया। ठीक है, प्रिकॉशंस में ये भी होना चाहिए कि एक वाटर टाइट होना चाहिए जो भी आप फॉर्म वर्क यूज कर रहे हो, तीसरा प्रिकॉशन ये हो गया। ठीक है, अब जो भी एक्सकवेशन कर रहे हो या जो भी फाउंडेशन से कर रहे हो, ठीक है, वहां से आपको ये प्रिकॉशन रखनी पड़ेगी कि आपको वहां से वाटर रिमूव करना है, आप एक्सेस वाटर ना ऐड करें। ठीक है, आपकी कॉन्क्रीट सर्टेन टाइम पे स्ट्रेंथ गेन कर ले। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई हम पानी में कॉन्क्रीटिंग कर रहे हैं तो कंक्रीट इम्परमेबल होनी चाहिए, तो कॉन्क्रीट में लो हीट ऑफ हाइड्रेशन होना चाहिए। तो इस तरह से सोचोगे ना, तो इस तरह से सारे आपके जो मेन मेन पॉइंट्स हैं एक दो बार सोचने से पता चल जाएंगे। ठीक है, इस बार सिर्फ आपको ये जो है आपके चैप्टर सिर्फ आपको ये देखने हैं कौन कौन से मेथड होते हैं, उन मेथड में बेसिक प्रिंसिपल होता क्या है, ये नहीं पढ़ना कि उसमें पूरा मेथड करते कैसे से। ठीक है, सिर्फ आपका इन सभी चैप्टर्स में इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अब अगला है डी वॉटर्ड कॉफर डैम और काइजन्स। ठीक है, अब जो अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है, जैसे पाइल फाउंडेशन हमें किसी में प्रोवाइड करनी है किसी सी में, तो क्या होगा, एक बहुत तरह का बॉक्स, बहुत बड़ा बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर हमें ना जो भी हमारी सी या किसी की फाउंडेशन, मतलब जहां पे भी उसका जो बेड होगा रेस्ट बेड, मतलब मान लो ये सी है, ये नीचे उसका बॉटम बेड है। ठीक है, तो हम एक काइजेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये बॉक्स टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है और ये पूरी उसके बेड तक जाएगा। फिर ठीक है, उसे थोड़ा बहुत अंदर तक जाने देंगे। ठीक है, ताकि इजिली रिमूव ना हो जाए। फिर हम क्या करेंगे, नीचे थोड़ा बहुत फाउंडेशन के लिए एक्सकवेशन करेंगे। ठीक है, इसमें से पानी रिमूव कर लेंगे, वो सबसे पहला काम था, पानी रिमूव कर लेंगे। फिर एक्सकवेशन करेंगे, फिर इसमें क्या हमें री इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करनी है, तो री इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद हम दोबारा कॉन्क्रीटिंग करेंगे। काइजन से आपके सर ये सोयल, लोहे का होता है सर, ये जो बॉक्स होता है। देखो बॉक्स तो लोहे का ही होगा, लेकिन जो है वो तो अलग अलग डिपेंड करेगा कि कहाँ कहाँ पे आप किस तरह का यूज करते हो, ज्यादातर लोहे का ही होगा।
वेल्डेड स्टील स्ट्रक्चर। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें बहुत सारे के बॉक्स होते हैं, तो ठीक है एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स को कनेक्ट करते हैं वेल्डिंग के थ्रू। ठीक है, वेल्डिंग के थ्रू हर बॉक्स से दूसरे बॉक्स को कनेक्ट करते जाते हैं और फिर हम उसको ऊपर प्रोवाइड करते हैं, मतलब ऊपर उसकी हाइट बढ़ाते रहते हैं बढ़ाते रहते हैं बढ़ा, इस तरह से हमें पूरा एक बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब इस तरह से एक कॉफर डैम होता वाटर में कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम ही नहीं होती है, मतलब वाटर में कंक्रीट की स्ट्रेंथ रिडक्शन कह रहे हो, तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ तो हर जगह रिड्यूस होती है, पर हमें प्रोवाइड ऐसी करनी पड़ती है कि जो हमारी कंक्रीट अगर सी वाटर में है तो भाई उसके सल्फेट अटैक से रेजिस्टेंट हो। ठीक है, कहीं आपका जो है पानी में एल्कलीज हो किसी और हो, तो उसी तरह से वो जो इन्वायरमेंट में हम प्रोवाइड कर रहे हैं वहां पे उस हिसाब से रेजिस्टिंग होती है। कंक्रीट कहाँ पे भी हो, अगर एटमोस्फेरिक एजेंट उस पे काम कर रहे हैं, जैसे पानी काम कर रहा हो, कोई और काम कर रहा हो, सी वाटर हो, तो उसकी स्ट्रेंथ तो रिड्यूस होती है। एक सर्टेन लाइफ पीरियड की डिजाइन लाइफ होती है तो उतनी रहेगी। ठीक है, मान लो आपका घर बनता है आजकल तो 70 साल के लिए बन रहा हो, 80 साल के लिए बन रहा हो, तो उतने हिसाब के लिए वो भी होता है कि डैम या ब्रिजेस या जो भी होंगे। ठीक है, इन सब पूरे चैप्टर्स में जो आपका चैप्टर है इसमें सिर्फ आपको बेसिक बेसिक जो स्टार्टिंग का जो थे कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग हॉट वेदर कॉन्क्रीटिंग वो देख लो अच्छी तरह से। ठीक है, उसे प्रिकॉशंस देख लो, वही सिंपल सिंपल प्रोग्रेशंस। ठीक है, कोल्ड और हॉट की हो गई। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन होता क्या है, किस किस मेथड होते हैं, 4-5 तरह के मेथड है, ट्रेमी मेथड हो गया, ये कॉफर डैम वाला मेथड हो गया। ठीक है, और उसके बाद में एक ग्राउटिंग भी होती है, उसमें कुछ नहीं होता, खड्डा खोदते हैं, खड्डा खोद में उसमें डायरेक्ट हाई प्रेशर पे कॉन्क्रीट डाल देते हैं, उसे बोलते हैं ग्राउटिंग। ठीक है, इस तरह से हम इसमें कॉफर डैम वाले में वर्क करते हैं। तो इसमें आपको ये नहीं पढ़ना कि किस प्रोसीजर में क्या होता है, बस मतलब ये देखना है कि बस कॉफर डैम में क्या होता है, कहाँ यूज होता है। ठीक है, अब एक तरह से ग्राउटिंग मेथड हो गया, ग्राउटिंग मेथड में कुछ नहीं करते, जैसे इसमें देखो सबसे पहले किसी बोरिंग मशीन से एक हॉल कर लेंगे, हॉल करने के बाद में हम क्या करेंगे, जहां पे भी हॉल प्रोवाइड कर दिया उसमें जो है हमारा ठीक है पंप आउट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद उसमें फॉर्म वर्क प्रोवाइड कर लेंगे, बोरिंग करने के बाद में फॉर्म वर्क प्रोवाइड करने के उसके बाद सिंपल उसमें री इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे और फिर कॉन्क्रीटिंग कर देंगे। सब में मेथड अधिकतर सेम ही है, यही करते हैं अधिकतर हर किसी में, पर हर कहीं जो मेथड है हर जगह यूज नहीं हो सकता, इसलिए हर जगह अलग अलग मेथड यूज होते हैं। ठीक है, अगला होता है आरएमसी प्लांट। आरएमसी प्लांट होता है मतलब रेडी मिक्स मिक्स कंक्रीट, मतलब आरएमसी प्लांट साइट पे भी हो सकता है, आरएमसी प्लांट जहाँ पे भी आपका इन सीतु या फिर जहाँ पे भी आप बनवा रहे हैं पहले से वहां पे हो सकता है, मतलब कुछ नहीं होता है रेडी मिक्स कंक्रीट, मतलब उसमें क्या होता है एक प्लांट होता है जो अपने आप ही कॉन्क्रीट को बनाता है। ठीक है, उसमें एग्रीगेट अपने हिसाब से बैचिंग हो जाएगी, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से स्ट्रेंथ के हिसाब से वाटर रेशियो मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से काम होता है रेडी मिक्स प्लांट का, मतलब आपको जो स्पेसिफिक कंक्रीट चाहिए आपको आरएमसी प्लांट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है,
अभी तक सब कुछ समझ में आया? अभी तक सब कुछ समझ में आया? ठीक है, अब हमें रिक्वायरमेंट क्यों रेडी मिक्स कंक्रीट की? अगर हमें हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट बनानी हो, ठीक है, करेक्ट रेशियो मेंटेन करनी हो, क्वालिटी मेंटेन करनी हो, ठीक है, और हाई अमाउंट ऑफ मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ कंक्रीट टाइम पे बनानी हो, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, बार बार ये डिसकनेक्ट हो रहा है, तो मैं ये क्लास बाद में कंटिन्यू करूँगा।